हेलो दोस्तों, वेलकम करती हूँ मैं आपके अपने किचन इंडियन स्वाद में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं काले चने और आलू की बहुत ही टेस्टी और ग्रेवी वाली सब्जी। तो हर बार की तरह आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। रेसिपी को बनाने के लिए काले चने को पानी में रात भर भिगो के रख दें और ये जब सुबह अच्छे से फूल जाए तो इसको कुकर में डाल के और इसके साथ पानी और नमक को डाल के 3 से 4 सीटी आने तक इसको ऐसे ही छोड़ दें। और जब कुकर के ढक्कन को आप लोग खोल के देखेंगे तो ये अच्छे से गल चुका होगा। आप सभी को मैं इस चने को चेक करके दिखा देती हूँ कि ये अच्छे से गल चुका है कि नहीं। तो देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब हम लोग इसके पानी को छान के इसको अलग रख लेंगे और अब इसके मसाले को तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच साबुत जीरा और 2 बड़ी इलायची को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी अच्छी खुशबू ना आने लगे। और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी लहसुन, अदरक और सूखी हुई लाल मिर्च। इन सभी मसालों को अच्छे से धुलने के बाद इसको हम लोग सिलपट्टे पे या फिर मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और इसको अच्छे से गर्म करके मैंने इस चम्मच से इसमें 2 चम्मच भर के तेल ऐड किया है। ये 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है और मैं यहाँ पे सरसों का तेल का यूज़ कर रही हूँ। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें से हल्की हल्की धुआँ आने लगे, तो हम लोग इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता और ग्रेंड किए हुए मसाले। काले में हम लोग डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। हम लोगों ने पहले भी चने में नमक को डाला था तो उसके हिसाब से ही हम लोग इसमें नमक को डालेंगे। और उसके बाद हल्दी पाउडर को डाल के इसको अच्छे से मिला लें और जब ये कुछ इस तरह से पकने लगे तो हम लोग इसको ढक देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो मैंने यहाँ पर मसाले को 4 से 5 मिनट भुना है और उसके बाद ये तेल पूरा छोड़ दिया। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में काट के इसमें डाला है और इसको अच्छे से मिला के अब हम लोग इसमें उबले हुए चने को भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिला के इसमें अब हम लोग पानी को ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। जितनी हमें ग्रेवी गाढ़ी चाहिए, पतली चाहिए, उतने पानी को डालें। को डालने के बाद भी इसको अच्छे से चला लीजिएगा ताकि जो मसाला है वो चारों तरफ अच्छे से मिल जाए और फिर इसको ढक के कुछ देर पका लीजिएगा और फिर ये सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही चटपटी सी बनती है सब्जी। आप लोग इसको ज़रूर से बना के ट्राई करते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।